साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन खुशी का समा आपका चेहरा बता रहे हैं, कैसे मैंने देखा रहे हैं। नहीं, हमें तो काफी मजा आया। लास्ट ईयर भी इनका फंक्शन हुआ था, हमें उसमें भी काफी मजा आया था। मेरे बच्चों ने परफॉर्मेंस भी की, सेलेक्ट भी हुए, और स्कूल तो माशाल्लाह पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टडी वाइज भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, तो स्कूल तो हमें काफी पसंद है। मैडम ये बताओ कि इस वक्त जो मुश्किल हालात कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, उनका कलम उनकी किताबें मुश्किल पर हो जा रहे हैं। देखिए टाइम जितना भी मुश्किल हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन देना काफी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे भी हालात है, लेकिन एजुकेशन तो हम देंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर हाई स्कूल आवाम का नाम रोशन करेगी, क्या आपके बच्चों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, टीचर के लिए और ऑनर के लिए आप क्या मैसेज देंगी? टीचर ऑनर से तो मैं यही कहूँगी, उन्होंने काफी बच्चों को सपोर्ट भी किया है, स्टडी भी अच्छी पढ़ाते हैं, और इनके टीचर भी काफी अच्छे हैं, और काफी कम्प्रोमाइज भी करते हैं, हर चीज में करते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं, और स्टडी वाइज भी काफी अच्छा है। मैडम स्मार्ट स्कूल है, एजुकेटेड स्कूल है, इस स्कूल का क्या मकसद है? ये स्कूल तो हमें शुरू से अच्छा लगता था, मेरे बच्चे तो कब से यहाँ से पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह मैट्रिक करके ही यहाँ से जाएंगे। ये बताएं इस माहौल में खुशी का समा भी है, रंग बना के हम परफॉर्मेंस होने जा रहे हैं, इस बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? बच्चों के लिए यही मैसेज दूंगी कि बच्चों का सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, सबने काफी अच्छा किया, और फंक्शन भी काफी अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह मैडम को कहूंगी नेक्स्ट ईयर भी आपने करना ही है इसी तरह। पेशावर का शहर, फूलों का शहर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? पेशावर को तो यही कहेंगे कि पेशावर पेशावर है, पेखावर को बेखावर दे करना। लेकिन हाँ, किसी का बच्चे अगर अवार्ड लेते हैं।